हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया ब्यूटी एंड ब्लॉग। सो आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप सिक्विन साड़ी को किस तरीके से लगा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो साड़ी लिया है वो पूरा सिक्वेंस वर्क में है, और ये जो साड़ी है इसका जो मटेरियल, इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट में है। तो ये पहनने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपने राइट साइड से लेते हुए घुमाते हुए दोबारा राइट में आके उसको अच्छे से टक कर लेना है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पल्लू बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर प्लेट्स बना रही हूँ। जैसे कि मैंने कहा, ये जो फैब्रिक ये जॉर्जेट का है तो इसमें बहुत ईजिली पल्लू बन जाता है। तो ये जो जॉर्जेट फैब्रिक रहता है ना, उसमें साड़ी लगाना बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है, क्योंकि उसको आप जैसे करते ना वो वैसे ही हो जाता है, उसमें ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो उसमें बहुत ईजिली प्लेट्स बन जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने प्लेट्स बना लिया है। तो मेरा पल्लू रेडी है। तो मैं क्या करूँगी, उसको अच्छे से सेट करूँगी पहले। और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे मैं उसको अभी टाई कर रही हूँ। तो ये जो मैंने ब्लाउज़ पहना है ये उसका पीछे का डोरी था, तो ये ब्लाउज़ मुझे थोड़ा सा लूज़ था इसलिए मैंने उसकी डोरी को आगे बांध लिया था। तो अगर आपका ब्लाउज़ लूज़ है तो आप ऐसे कर सकते हो। ये जो ब्लाउज़ और साड़ी है मैंने अमेज़ॉन से लिया है, तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपका भी ब्लाउज़ लूज़ है तो आप इस तरीके से उसको पहन सकते हो। अगर आपके पास इस टाइप का ब्लाउज़ नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें बेल्ट लगा सकते हो, बेल्ट से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अभी प्लेट्स बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर फ्रंट प्लेट्स बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो ये कितने ईजिली बन जाता है। तो आपको थोड़ा आपका जो सिक्वेंस साड़ी रहता है ना, उसको थोड़ा अच्छे से हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि वो पूरा सीक्वेंस वर्क में रहता है। तो उसको जब हम हाथों में लेते हैं ना, तो थोड़ा सा मतलब उसका जो सीक्वेंस का जो काम किया हुआ है ना वो हाथों में आ जाता है, तो उससे जो इसका थ्रेड रहता है ना वो खींचने का डर रहता है। तो इसलिए आप जब भी सीक्वेंस साड़ी पहने तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हल्के हाथों से ही उसको पहने। अगर आप रफली लगाओगे ना तो आपका जो सीक्वेंस में जो धागे लगे हुए ना वो निकल सकते हैं, तो इसलिए उसको बहुत अच्छी तरीके से आप लगाइएगा। तो आप देख सकते हो मेरे आगे की फ्रंट प्लेट्स बन गए, उसको मैं टक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अपने राइट साइड से हाथ अंदर डाल के फिर जो साइड का फैब्रिक है उनको ट्विस्ट करते हुए फिर उसको टक कर दिया। तो आप चाहे वहाँ पे भी पिन लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे फ्रंट के प्लेट कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पे भी पिन लगा सकते हो, उससे आपका साड़ी और अच्छी तरीके से बैठेगा। तो ये बिना लगाए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से बैठ जाता है। पिन हम बस सेफ्टी के लिए लगाते हैं, तो इसलिए आप यहाँ पे पिन लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, और ये रात को बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है और इतना अच्छा लगता है ना। ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा हल्का है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये दोनों साड़ी और ब्लाउज़ मैंने अमेज़ॉन से लिया है, तो इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।